हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं डेली बुक्स जरूर पढ़ता हूँ। मॉर्निंग में, ऑफिस टाइम में या ऑफिस से घर जाने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अच्छी बुक्स डेली जरूर पढ़ता हूँ। और जितनी भी मैंने अच्छी बुक्स पढ़ी है, चाहे सेल्फ हेल्प बुक्स है, ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है, इनसे मैंने एक ही चीज सीखी है कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसको अपना टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर रोबिन शर्मा ने अपनी बुक में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर फोकस। अगर आपका फोकस मैनेज्ड है, यानी आपको पता है कि आपको किस टाइम पे बायो पढ़ना है, किस टाइम पे केमिस्ट्री, किस टाइम पे फिजिक्स, कब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपका फोकस अच्छा रहेगा। और जिसका फोकस अच्छा होगा उसका टाइम टेबल अपने आप मैनेज हो जाएगा, उसको बार बार डेली टाइम टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें दिन में कब क्या करना होता है उसका हमें एक आइडिया होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, तभी हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और एक अच्छे डॉक्टर का भी करैक्टर यही होता है कि उसका एक परफेक्ट टाइम टेबल होता है, वो प्रॉपरली सारी चीजें टाइम पे करता है, एक मैनेज्ड वे में करता है। तो आपके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल मैं आज बनाने जा रहा हूं, जिसको फॉलो करते हुए आप नीट 2025 में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। और इस टाइम टेबल की एक खास बात यह है, इसको फॉलो करते हुए आप अपनी स्टडी को एंजॉय करेंगे, और जो बच्चा अपनी स्टडी को एंजॉय करता है वही एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक ला पाता है। तो आज का टाइम टेबल स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो भाई, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नीट 2025 एग्जाम के लिए बीवाइज क्लासेस का केमिस्ट्री का रैंकर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसको फॉलो करते हुए आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। और अभी इसके लिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, जिसका प्रोमो कोड है नीट 2025। यानी जैसे ही आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके bewiseclasses.com विजिट करके साइन अप करेंगे, कोर्सेज में जाके रैंकर बैच फॉर नीट 2025 पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करके नीट 2025 प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, आपको उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करके आज ही अपनी केमिस्ट्री की 180 स्कोर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चा केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से 1,00,000 रुपए तक का आईफोन गिफ्ट किया जाएगा। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे, क्या सर इस बैच में जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इसके साथ साथ हमें कोटा क्लासरूम के इस साल के लेक्चर भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल भाई, हम रैंकर 2.0 बैच लॉन्च करेंगे जैसे ही कोटा क्लासरूम में ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, तो जो भी ऑफलाइन के इस साल के लेक्चर होंगे वो आपको रैंकर 2.0 में मिल जाएंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ऐड किया जाएगा, इसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बट अब आपको रैंकर 2.0 के लिए वेट नहीं करना है, जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाना है और अच्छे कॉलेज में जाना है। ठीक, तो अब आपको अच्छे कॉलेज में पहुंचाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं परफेक्ट टाइम टेबल। तो देखो भाई, दो टाइप के स्टूडेंट है, एक तो वो स्टूडेंट्स जो मॉर्निंग में क्लास जाते हैं, दूसरा वो स्टूडेंट्स जो इवनिंग में क्लास जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे ही ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी के लिए मैं एक परफेक्ट टाइम टेबल बना देता हूं, कोई भी बच्चा इसको फॉलो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मॉर्निंग में क्लास रहती है, अब मॉर्निंग की क्लास का टाइम जनरली क्या होता है भाई, 6:30 से 12:30, 6 से 12:30, 1-1.5 बजे तक ऐसे क्लास होती है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे, क्लास के लिए रेडी भी होंगे, तो मैं एक काम करता हूं, क्लास के बाद घर आएंगे और लंच वगैरह करेंगे, इसका टोटल टाइम आपका 6 से 2 का मान लेता हूं, 6 AM to 2 PM का मान लेता हूं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आके रोटी वगैरह खा करके, लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करना है, आते ही पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि आते ही पढ़ने बैठेंगे आप थके होंगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या करोगे, 3 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 3 बजे से 5 बजे तक लगातार क्या करना है, नोट्स पढ़ना है। नोट्स कैसे पढ़ते हैं ये ऑलरेडी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। फिर इसके बाद 5 से 6 तक आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि चलो भाई 2 घंटे और सो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई इस टाइम आप खेलने जा सकते हैं, इस टाइम आपको खेलना है, रेस्ट भी नहीं करना, खेलना है।
और खेलना है मतलब मोबाइल गेम नहीं खेलेंगे, कंप्यूटर गेम नहीं खेलेंगे, आपको आउटडोर गेम खेलना है। क्योंकि आज तक जितने भी बच्चों के टॉपर्स के इंटरव्यू मैंने किए हैं उनकी सबकी एक खास बात ये रही है, सबने बोला सर मैं डेली एक घंटा खेलने जाता था, कोई बच्चा जिम करने जाता था, कोई स्विमिंग करने जाता था, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई रनिंग करने जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, लेकिन वो ओपन ग्राउंड में जरूर जाते हैं। तो आपको भी 5 से 6 1 घंटा खेलने जाना है। फिर इसके बाद 6 से 8 लगातार 2 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपका होमवर्क रहेगा इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद 8 से 8:30 तक आप क्या करेंगे, खाना खा लेंगे यानी डिनर कर लेंगे। फिर डिनर करने के बाद दोस्त के रूम में नहीं जाना है, क्योंकि अगर दोस्त के रूम में आप जाएंगे कब आपका 8:30 का 11:30 12 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही डिनर करेंगे आप अपने रूम में आ जाएंगे, रूम में आते ही अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे और एनसीईआरटी उठाते ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे लगातार 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक। वैसे वो 1.5 घंटा काफी रहेगा एनसीईआरटी तक, एनसीईआरटी के लिए डेली 1.5 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा बायो, आधा घंटा फिजिक्स, वो भी काफी रहेगा। तो 1.5 घंटा आपको अपने एनसीईआरटी के वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आज क्लास में आपके कवर कराए गए हैं, क्लास में आपको समझाए गए हैं। फिर इसके बाद 10 से 10:30 तक आज आपने दिन में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या मिस्टेक्स की है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, आपको एनालाइज करना है आज आपने क्या सीखा है, क्या गलतियां आपसे हुई है, क्या आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सोते टाइम आप अपना मोबाइल बंद करके और जो आपके लाइट वगैरह है वो ऑफ करके करेंगे तो इससे आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरा, आपकी रीजनिंग पावर जो है, जो अपनी सोचने की पावर है वो भी बढ़ेगी। फिर इसके बाद लगातार 10:30 से लेकर 5 बजे तक कम से कम 6 घंटे की साउंड स्लीप आपको लेना है। और फिर क्या करेंगे हम लोग भाई, सुबह उठ जाएंगे 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले 10-15 मिनट 20 मिनट कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ो, चाहे कोई बुक पढ़ो या अपने नोट्स पढ़ो, अपने मिस्टेक की कॉपी रिवाइज करो, लेकिन ऐसे पॉइंट रिवाइज करो जो इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और जो आपके लिए फ्रूटफुल भी है। तो 10-15 मिनट पढ़ने के बाद आप वॉशरूम में जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, फिर उसके बाद आप 10-15 मिनट और पढ़ के फिर आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई अच्छी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था द मैजिक बुक आपको पढ़नी चाहिए। और फिर 6:30 बजे तक आप अपने कॉलेज पहुंच जाएंगे भाई, तैयार होकर के अपनी कोचिंग में चले जाएंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक कोशिश करना कि क्लास में जाने से पहले जो सुबह पढ़ेंगे आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट डे आपने क्या पढ़ा वो रिवाइज कर सकते हैं, या आज आपके सर क्या पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को जस्ट देख के चले जाओ, रटना नहीं होता। अगर जस्ट देख के भी चले जाएंगे तो उससे आपका क्लास में ज्यादा मन लगेगा और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर इसके बाद जिनका इवनिंग का शेड्यूल है उनको भी मैं जल्दी से बता देता हूं। देखो इवनिंग में जल्दी क्लासेस का टाइम होता है 2 to 8 PM या 2 to 9 PM लिख लेते हैं इनका भी, ठीक 2 to 9 PM मान लीजिए आपकी क्लास है, तो सबसे पहले तो घर आते ही मेस में या घर पे अपना खाना खा लो, खाना खा लिया 9-9:30 बजे तक, फिर 10 बजे तक मम्मी पापा से फोन पे बात करनी है वो कर लो। अब आपको क्या करना है 10 से लगभग 11-11:30 बजे तक या 12 बजे तक आपको प्रॉपरली अपने नोट्स रिवाइज करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। देखो मैं बोल रहा हूं कि क्लास में से सबसे पहले आते ही नोट्स रिवाइज करने हैं, कुछ बच्चे ना लास्ट डे का रिवाइज करने लगते हैं, नहीं, जो आज पढ़ा वो आज ही रिवाइज होगा। अगर वो नेक्स्ट डे पे चला गया ना तो गारंटी है उसमें से आधी चीजें ही आप रिटेन कर पाएंगे। सबसे पहले नोट्स, फिर उसके बाद आप आराम से सो जाओ, दोस्त के रूम में मत जाना क्योंकि दोस्त बहुत बिजी होते हैं गेम खेलने में, रील्स देखने में, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने में, उनके पास टाइम नहीं होता है आपसे बात करने के लिए। फिर इसके बाद क्या करना है भाई, 11:30 से 6 बजे तक या 6:30 बजे तक, मान लीजिए 12 से 6:30 बजे तक आप सो गए, ठीक, वैसे जल्दी सो जाना चाहिए, 11:30 बजे सो जाओ, 6 बजे से पहले पहले उठ जाओ। क्यों, इसका क्या फायदा है, क्योंकि सुबह सनराइज जितना देखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। मॉर्निंग बैच का बच्चा है या इवनिंग बैच का बच्चा है, सनराइज या सनसेट दोनों चीजें, दोनों में से एक चीज जरूर देखनी है या दोनों देखेंगे, इसका आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा वो आप इंटरव्यू में मेरे साथ वीडियो में बैठ के बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आप पहले बेनिफिट उठाओ, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है, 6 बजे उठ के 6 से 7 तक आपका मॉर्निंग रूटीन हो जाएगा भाई। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, कोई सेल्फ हेल्प बुक द मैजिक बुक टाइप पढ़ना है तो वो कर सकते हैं। 7 बजे अपने प्रॉपर पढ़ने बैठ जाओ, 7 से 9 तक एक अच्छी शिफ्ट लगाओ 2 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस की। फिर इसके बाद 9 से 10 तक आप आराम से नहा सकते हैं, आप नाश्ता कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं प्रॉपर। और फिर 10 से 12 बजे तक
या 10 से 11:30 बजे तक। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी जो आपको कल पढ़ाई गई नोट्स में जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो उसकी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। फिर 11:30-12 बजे तक फिर आप खाना खाने चले जाएंगे, खाना खा के थोड़ी देर आके आराम करेंगे, फिर 1:30 बजे आपको क्लास में निकल जाना होता है। तो ये आपका प्रॉपर शेड्यूलिंग हो गया। तो ऐसे ही अब जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि देखो मैं तो अच्छे से जानता हूं बीवाइज क्लासेज में ऑफलाइन से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, रिजल्ट भी अच्छा लाते हैं। ठीक, तो वो बच्चे क्या करेंगे, आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो, या तो मॉर्निंग के अकॉर्डिंग बना लो कि भाई मॉर्निंग में ऐसे 6 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ूंगा, या आप इवनिंग के अकॉर्डिंग बना लो, लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल आप इनके अकॉर्डिंग बना लो और उसी को फॉलो कर लो। अगर आप ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि आज मैंने केमिस्ट्री और बायो पढ़ी, फिर ये करेंगे नेक्स्ट महीना फिजिक्स और बायो पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत मेथड है। आपको डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, भले ही आप कम कम पढ़े लेकिन तीनों आपको करना ही करना पड़ेगा। जैसे आप क्या कर सकते हैं, 2 घंटे भाई केमिस्ट्री के लेक्चर को देने, 2 घंटे बायो के लेक्चर को, 2 घंटे फिजिक्स के लेक्चर को, इनके बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक ले लो, तो आपका भी 6 से 6:30 घंटे का शेड्यूल हो जाएगा जिससे बच्चे ये क्लास में जाते हैं। ठीक, समझ आ गया, ये अच्छे से फॉलो करना है। और केमिस्ट्री का रैंकर बैच आपका आ चुका है, वो आप सबको ज्वाइन कर देना है, भले ही आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग में पढ़ाई करने जा रहे हैं। रैंकर बैच एक ऐसा बैच है जो आपके लिए हेल्पफुल है, ये केमिस्ट्री में आपको 180 out of 180 स्कोर करने में मदद करेगा, क्योंकि इस बैच में कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लास में करवाई जाती है, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन या आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्लास में अच्छे से कवर कराए जाते हैं। जो टेस्ट है वो मैं आपके लिए बनाता हूँ, टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड करता हूँ, साथ में फ्री में मिलता है आपको कृष्णा बैच जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बैच है, इसका प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक है, तो पूरी एनसीईआरटी आपकी अच्छे से कवर हो जाती है और आप 180 out of 180 स्कोर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से जरूर फॉलो करना। और खास बात देखो, ऑनलाइन के लिए तो बैच लॉन्च हो ही चुका है, जो बच्चे कोटा आकर के ऑफलाइन बीवाइज क्लासेस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको बता दूं भाई आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भाई अभी जो अर्ली बर्ड्स है उनके लिए ऑफलाइन में भी स्पेशल डिस्काउंट है, तो आज ही आप 7340250100 इस नंबर पे कोटा क्लासरूम के ऑफलाइन बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है या आपका कमेंट सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। देखो मैं आज बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो चुका हूं, अभी तक जो नीट 2024 के बच्चे उनका पेपर भी नहीं हुआ और मैंने आपके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया पैरेलल, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हम पूरे साल में पूरा साल आपका साथ दूंगा। आप अच्छे से मेहनत करें, आपको टॉप में रैंक लाना है, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाना है और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आपको बीवाइज क्लासेस से iPhone एज ए गिफ्ट अपने ड्रीम कॉलेज में लेके जाना है। ठीक है भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।